अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल। तो कैसे हैं हम लोग सब? मेरे सब कैरियर से होंगे। सो आज मैं आपको स्केच के अंदर एक नई ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। ठीक है, देखिए ये मैंने ड्राइंग बनाई है और इसकी जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो ये रही। ठीक है, तो हम इसको फॉलो करते हैं दोबारा से। अगेन इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, हम एक्सट्रूड की कमांड लेते हैं। ठीक है, सिंपल। और प्लेसमेंट डिफाइन टॉप व्यू स्केच करते हैं। तो इसका सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम मैक्सिमम जो साइज़ है वो कवर करेंगे। हमारा क्या साइज़ है, इसकी हाइट है 125 mm और लेंथ है, इसकी लेंथ डिवाइड हुई है 102, 229 और 147। तो उसको हम प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 102 + 229 + 147, ये 478 इंटू 125। ठीक है, तो सेंटर रेक्टेंगल के लिए हमने ठीक है, यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इसके नीचे के व्हील्स कवर करेंगे राइट साइड से। 147 है, फिर 229 पर है। ठीक है, तो हम ऑफसेट की कमांड लेंगे और ये लाइन सेलेक्ट करेंगे और -147। ठीक है, और दूसरा साइज है यहीं से 229 है, -229। ठीक है, अब यहाँ से 10 mm नीचे है, तो 10 mm का फासला आ गया इस लाइन से नीचे सेंटर का। तो ये ऑफसेट की कमांड लेंगे और 10 mm नीचे कर देंगे इसको। इसको हम कॉर्नर कर लेंगे ताकि हमारे पॉइंट्स एक्यूरेट आ जाएं। हमने सर्कल की कमांड ली राइट क्लिक करके। अब सर्कल कितने का है ये देख लेते हैं। ठीक है, सर्कल है हमारा 42 का रेडियस है, तो 84 का डायमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने इसको 84 का साइज दे दिया। अब हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। इन लाइनों को हम ट्रिम करेंगे क्योंकि हमें पूरी तो डिलीट करनी नहीं है, हमें अंदर का हिस्सा रखना है। ठीक है, ये हमारे आ गए। अब हम हमारा क्या स्टेप होगा, हम अगला स्टेप हमारा होगा इसका फ्रंट का। हम इसका फ्रंट एरिया कवर करेंगे। यहाँ से 42 की हाइट लेंगे, -42। ठीक है, अब यहाँ से 100 degree लगा दें या इस लाइन से आप 10 degree लगा दें, इस लाइन से 10 degree या यहाँ से 100 degree। ये हमने लाइन की कमांड ली, यहाँ से 10 degree किया इसको। ठीक है, अब इसका बैक साइड से 305 है, हमने ये लाइन ऑफसेट करी -305। अब यहाँ से 145 की डिग्री लगेगी। ठीक है, हमने राइट क्लिक करके लाइन की कमांड ली, डायमेंशन की कमांड ली, यहाँ से 145 इसको डिग्री दे दी। अब हम इन दोनों को कॉर्नर करेंगे, ये और ये। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दी, ये भी डिलीट कर दी। अच्छा, इसे हम ट्रिम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एरिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे बैक साइड पर जो कि 100 और 100 डिग्री में कॉर्नर हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से लाइन की कमांड लेंगे, राइट क्लिक करके डायमेंशन की लेंगे और इसको डिग्री देंगे 10 degree। अगेन लाइन की कमांड लेंगे, देखें ये बिल्कुल मैचिंग में आ रहा है। अलग से करना चाहिए अलग से करें, ये जो हाईलाइट हो रहा है इस पर करेंगे तो एज इट इज ही 10 degree पर ही आएगी। हम इसको यहाँ से कॉर्नर कर देंगे। ठीक है, इसे हम डिलीट कर देंगे।
तो ये आपकी ड्राइंग होगी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से जो इसके पॉइंट्स और डायमेंशंस हैं आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके मॉडल ट्री हाइड कर दिए हमने, देखें ये कंप्लीट हो गई ड्राइंग आपकी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये ड्राइंग समझ में आ गई होगी। तो इस ड्राइंग के हवाले से या स्केचिंग के हवाले से कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।